हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी बीटी बैगन के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं बीटी फसल होती है? बीटी बैगन भारत में बैन है। क्या आपको पता है बीटी बैगन भारत में क्यों बैन है? बीटी बैगन किस टाइप की फसल है? आज हम आपको बताएंगे बीटी बैगन के बारे में। बीटी फसल एक्चुअली होती क्या है? बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो पौधे की प्रत्येक कोशिकाओं में बीटी के रूप में एक वायरस डाला जाता है, जिससे वह कीटों से उन फसल की रक्षा कर सके। बीटी बैगन काम कैसा करता है? एक्चुअली बीटी बैगन में एक बैसिलस थिरुंगियेंसिस वायरस इस बैगन के पौधे में डाला जाता है। यह अनुवांशिक रूप से संशोधित बैगन कहलाता है। यह बैगन फल तना छेदक में लगने वाले कीड़ों से इस फसल की रक्षा करता है। आखिर भारत में बीटी बैगन का इतना विरोध क्यों है? भारत में बीटी बैगन सन 2010 में सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। इस प्रतिबंध से पूर्व भी जैव तकनीक पर बने सरकार ने अपने कार्यदल से इसको लेकर चिंता व्यक्त की थी तथा सिफारिश की थी कि जीएम फसलों को जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में उगाने की अनुमति ना दी जाए। क्यों सरकार ने बैन किया था आखिर? क्योंकि बीटी बैगन होता है हानिकारक। जी हाँ, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन का सेवन आपको बीमार कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से इस बैगन को खाएंगे तो यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रजनन संबंधी विकार भी उत्पन्न कर सकता है। बीटी बैगन के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि बीटी फसल जैसे कि बीटी कपास, जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। बीटी कपास की फसलें, हालांकि भारत में अभी भी बीटी कपास की फसलें पैमाने पर बोई जा रही हैं और संपूर्ण लाभ इसका लिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।